जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा की खबर फटाफट 30 खबरें बैक टू बैक। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। कैबिनेट मीटिंग में लिया फैसला, हरियाणा में शराब के ठेके खोलने की इजाजत। सरकार ने अंग्रेजी शराब पर कोरोना सेंस लगाया। बुधवार सुबह 7 बजे से 12 बजे खुलने हुए ठेके शुरू। रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे तहसील कार्यालय। एक दिन में होगी 45 रजिस्ट्री। रोडवेज चालकों को किया गया डीजल राशि का भुगतान। यूनियनों नेताओं पर भड़के निदेशक, बोले यूनियन नेताओं ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। अब शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही है कार्रवाई। कहीं उठक बैठक तो कहीं डंडा परेड। प्रदेश भर में पुलिस दिन में भी सोशल डिस्टेंसिंग व गलत कम से कम घरों से निकलने की गुजारिश कर रही है। रोहतक से खबर है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सरकार हालात की समीक्षा के बाद ही लॉकडाउन में ढील पर विचार किया जाना चाहिए। कोरोना रिलीफ फंड, संकट की घड़ी में 832 धरती पुत्रों ने किया 20,63,000 रुपये का दान। अब तक प्रदेश भर में 48.04 लाख टन से अधिक गेहूं की आवक। हरियाणा में कोरोना 2 दिन में 101 नए केस आए। खानपुर पीजीआई के 4 कर्मचारियों समेत सोनीपत जिले में आज 5 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आईसीएमआर से मिली अनुमति, पीजीआई चंडीगढ़ में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू। पंचकुला से खबर है, 55 मजदूर पलायन कर टिपरा पहुंचे, कालका पुलिस ने वापस हिमाचल भेजा। चंडीगढ़ से खबर है, इस्तीफा देने वाली आईएएस अफसर रानी नागर 14 दिन के एकांतवास में। हरियाणा में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पानीपत में कोरोना पॉजिटिव वाले क्षेत्र सील, हर घर में लोगों की होगी स्क्रीनिंग। हिसार से खबर है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के लिए दाखिला प्रक्रिया की शुरू। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने मंगलवार को दाखिला प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ। सोनीपत से खबर है, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्स, 2 स्वीपर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी कोरोना मिले पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण रोकने को बॉर्डर पर जारी रहेगी पाबंदी। मंगलवार को डीसी डॉक्टर एसएल सिंह व एसपी जगदीप सिंह रधावा ने कुंडली बॉर्डर पर निरीक्षण कर बॉर्डर को सील ही रखने के दिए गए आदेश। सिरसा से खबर है, प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए ऑनलाइन पास बनवाने हेतु स्वास्थ्य जाँच की रिपोर्ट करवानी होगी अपलोड। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। निर्देशों का पालन न करने पर दुकान खोलने की अनुमति होगी रद्द। यूक्रेन गए 43 छात्रों से दूतावास ने भरवाया 20 कॉलम का फार्म। 7 सिटीजन भी फंसे हुए हैं। रिवाड़ी में आरोग्य सेतु ऐप ने 2 किलोमीटर क्षेत्र में दिखाया कोरोना पॉजिटिव। दिन भर रही चर्चा, शाम को प्रशासन ने कहा जिला में नहीं कोई पॉजिटिव, अफवाहों पर ध्यान न दे। यमुनानगर जिला प्रशासन ने कोरोना बचाव को लेकर जिला बॉर्डर पर ही शुरू कर दी गई स्क्रीनिंग। कोरोना के नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर लोगों की जा रही है स्क्रीनिंग। महेंद्रगढ़ नगर पालिका कार्यालय की मीटिंग में एसडीएम के आदेश को पलटा। अब 2 घंटे ज्यादा सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन 3 से थोड़ी सी छूट मिली तो लोगों हो गए बेपरवाह, तोड़े सोशल डिस्टेंसिंग। भिवाणी में नियम तोड़ने पर एसडीएम ने बंद करवाई 5 दुकानें। 8 दुकानदारों को पुलिस ले गई थाने। केथल में दूध डेयरी संचालकों को मिली ओड इवन की छूट। कृषि पेस्टिसाइड का काम करने वालों को भी छूट मिली। चरखी दादरी से खबर है, ओड इवन का फार्मूला लागू होने के बाद भी आधा बाजार ही खुला। सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हुई पालना। बने रहे हमारे चैनल के साथ। ताज़ा अपडेट बने रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।